केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड में चल रहे आपदा पुनर्निर्माण कार्यों में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर बाढ़ सुरक्षा दीवारों के निर्माण में रेत की जगह मिट्टी मिलाई जा रही है और कच्चे पत्थरों की गिट्टी प्रयोग मिलाई जा रही है। आपको बता दें कि गौरीकुंड में बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग के पास है और करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर दीवारों का निर्माण कार्य मंदाकिनी नदी के किनारे चल रहा है। आप देख ही रहोगे कि सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग यहाँ पे 300 मीटर पे कार्य किया जा रहा है और इसमें दो ठेकेदारों के साथ टेंडर लगे हुए हैं 150 मीटर करके और ये 10 करोड़ के समथिंग शायद इन दोनों ठेकेदारों का काम है। और जहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने इनको कई बार यहाँ पे जो ठेकेदार काम करें इस गुणवत्ता पे हमने सवाल भी उठाए, उसको अखबार में भी दिया है, DM साहब को भी हमने सूचना की है कि इस गुणवत्ता को यहाँ पे देखना और ठेकेदारों के द्वारा जो है अभी यहाँ पे रेत बजरी वगैरह जो है कि नहीं लाया गया है। वहीं विभाग के अभियंता स्वीकार तो कर रहे हैं कि रेत में शिल्ट तो है, लेकिन अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तर्क भी दे रहे हैं। यहाँ पे गौरीकुंड में दो जॉब हैं बाढ़ सुरक्षा कार्य के, 0 से 150 मीटर और 150 से 300 मीटर का है। इसमें कंक्रीट का दीवार है, रोटेशन वर्क है इसमें। इसकी फर्स्ट जॉब की 4 समथिंग है और सेकंड जॉब की 5 समथिंग है। पुनर्निर्माण कार्यों में अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार अपनी चांदी काट रहे हैं और सुरक्षा दीवारों के नाम पर मानकों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी TV के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।